जी हाँ, चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर भक्ति मार्ग पर चल पड़े हैं। भक्ति आंदोलन आप इसे एक तरीके का भारतीय सियासत का कह सकते हैं। 7 दिसंबर को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले राज्य में राहुल के मंदिर मस्जिद दौरे का कार्यक्रम तय हो गया है। राहुल 26 नवंबर को अजमेर शरीफ में दरगाह पर जियारत करेंगे, उसके बाद ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने के लिए पुष्कर जाएंगे। हमारा बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल को सत्ता हासिल करने के लिए खुद पर नहीं बल्कि मंदिर मस्जिद का भरोसा है। सवाल यह भी उठता है, क्या चुनाव देखकर जागती है राहुल गांधी की भक्ति? सोचने की बात है। चुनावों के बीच में आपने राहुल गांधी की भक्ति की कितनी तस्वीरें देखी? इसीलिए बड़ी बहस हम लेकर आए हैं सिलसिलेवार तरीके से आपके स्क्रीन पर। वो सवाल जो हम उठाएंगे, बड़ा सवाल लगातार आपको बता रहे हैं, राहुल मंदिर मस्जिद जाएंगे क्या तभी सत्ता में आएंगे? सवाल यह भी उठता है कि राजस्थान में वोट के लिए है क्या राहुल की ये तीर्थ यात्रा? सवाल यह भी है कि भाई चुनाव में जीत के लिए राहुल सिर्फ क्या धर्म के सहारे खड़े हैं? राहुल की भक्ति में विपक्ष को सियासत क्यों दिखती है? और 2019 में क्या तीर्थ यात्रा से सत्ता का राज तिलक होगा? ये वो सभी सवाल जो हम लगातार उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, बीजेपी की तरफ से चारू प्रज्ञा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु आचार्य विक्रमादित्य, इस्लामिक स्कॉलर हाजिक खान साहब और सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार सीपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल सुरेंद्र राजपूत जी आपसे है। सर मुस्कुरा तो सर आप रहे हैं, मुस्कुराने की बात भी है, कई लोग सोच भी रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी कैसे पसोपेश में आ जाते हैं, बैलेंस आउट करना पड़ता है? बाहर तो मंदिर की तस्वीर दिखाते हैं, फिर कमलनाथ जी का एक वीडियो आ जाता है, वो कहते रहे भाई 90% मुसलमान वोट नहीं करेगा तो मुश्किल में आ जाएंगे। तो राहुल गांधी की पसोपेश समझ में आती है, उनकी दुविधा समझ में आती है, तो मंदिर भी जाएंगे, जियारत भी करेंगे पहले और उसके बाद मंदिर भी जाएंगे, बैलेंस आउट करेंगे, क्यों राजपूत जी? बिल्कुल सही कहा आदिति जी, पसोपेश हमें सबकी समझ में आ रही है, आपकी हमारी सबकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज है, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत भगवान के भजन से भी करनी चाहिए और दर्शन से भी करनी चाहिए, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर राजस्थान चुनावी दौरे में जा रहे हैं और वो अपना धार्मिक स्थलों की यात्रा कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका तो स्वागत होना चाहिए। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत जो है भगवान का नाम लेकर के करनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने कमलनाथ जी वाली कही, तो निश्चित तौर पर खाली मुस्लिम ही क्यों, पूरे देश में 100% चुनाव में क्या नाम जो है पोलिंग होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है, कमलनाथ जी का भी मानना है और शायद आपका भी ऐसा ही मानना होगा। तो हम तो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं। तीसरा आपने सवाल खड़ा किया राहुल जी के ऊपर कि खाली चुनाव के समय जाते हैं, तो भाई जब कैलाश मानसरोवर गए थे तब कोई चुनाव नहीं था, जब केदारनाथ गए थे तब कोई चुनाव नहीं था। तो ये बातें, हाँ उस वक्त कैमरे नहीं थे जब केदारनाथ जा रहे थे और उस जगह पे जा रहे थे। सच्चाई ये है कि आप लोगों को भी अपना दिखाना होता, आज की डेट में चुनाव में क्या दिखाएंगे, तो राहुल गांधी को ही दिखा दीजिए, अच्छी बात है, हम तो मानते हैं। और एक बात अदिति जी हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, सम्मानित चैनल है, कि भक्त और भगवान के बीच में जो भी आएगा वो पाप का भागी भी बनेगा और श्राप का भागी भी बनेगा। जिस तरीके से आदित्यनाथ योगी जी ने कहा ना कि वो घुटनों के बल बैठते हैं, तो मैंने उसी के वीडियो को कंटिन्यूएशन में आपको मैं भेज भी दूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी उसी तरीके से बैठे हुए थे जब वो तिरुपति के मंदिर में गए थे चंद्रबाबू नायडू जी के साथ में। तो इस तरीके की ओछी राजनीति करना भक्त और भगवान के बीच में मुझे लगता है कि उचित नहीं है। जिसको जहां जाना है जाए, धर्म एक निजी आस्था का विषय है, इसको राजनीति से इतर रखा जाना चाहिए। ठीक है सर, 1.5 मिनट। चारू प्रज्ञा, भक्त और भगवान के बीच जो आएगा सुरेंद्र जी, वो श्राप उसको लगेगा, पाप इसे माना जाएगा, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही, ऐसा आरोप माफ की जगह कांग्रेस लगा रही। सुरेंद्र जी, जब राहुल गांधी जी अपनी ये सो कॉल्ड तीर्थ यात्रा पे गए थे, मैंने माना उनके साथ कैमरे नहीं थे, पर क्या राहुल गांधी जी खुद भी नहीं थे? वापस आने के बाद जब उनसे इन यात्राओं के बारे में पूछा गया, लोगों ने उनसे सवाल करने की कोशिश करी, उनके अनुभव जानने की कोशिश करी, उनको याद नहीं थे उनके अनुभव? ये तो कुछ सुनने में ठीक नहीं लगता है ना हमको, आपका इसके बारे में क्या कहना है? दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि इसी की धर्म आस्था के बीच में आना नहीं चाहिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सबको अपना धर्म अपने तरीके से चलाने का पूरा पूरा हक है इस देश में, लेकिन लेकिन जनता के सेंटिमेंट से खेलने के लिए, वोटों के लिए, इलेक्शंस के पहले
ये धर्म नहीं होता, ये कैलकुलेटेड राजनीति होती है, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स होती है। 25 तारीख को वीएचपी और आरएसएस के साथ आप क्या करवा रहे हैं? सुरेंद्र जी, हाँ जी, तो 25 तारीख को तो अयोध्या में गेट टुगेदर है, आइएगा जरूर। नहीं नहीं, क्या करवा रहे हैं आप? क्या मैसेज देना चाहते हैं? देश को असहिष्णु बनाना चाहते हैं? ये धार्मिक लोगों की भीड़ है या राजनीतिक रोटियां सेकने की भीड़ है? इसमें प्रज्ञा जी, चार नहीं जी, आप मुझे एक बात बताइए। पहली बात तो आज का बहस का मुद्दा नहीं है, आप और मैं तो आपको बोल रही हूँ कि देश भर की तो निश्चित तौर पर हिंदू वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं जो राम और राम मंदिर में आस्था रखते हैं। आप भी तो हिंदू हैं सुरेंद्र जी, आएंगे आप भी अयोध्या? आइएगा 25 तारीख को, आएंगे? हम तो अयोध्या हर महीने जाते हैं, हर महीने जाते हैं अयोध्या, हनुमानगढ़ी जाते हैं और डंके की चोट पे जाते हैं। हमको जान के बड़ी खुशी हुई, राम मंदिर बनाने में हमको आपका समर्थन है। चारू प्रज्ञा एक मिनट, सुरेंद्र राजपूत जी, राहुल गांधी भी जाते हैं क्या अयोध्या बिना कैमरे के? जी, ऐसा तो नहीं है कि लोगों को पता ना चल पा रहा हो राहुल गांधी जाते हो, जैसे कि कैलाश मानसरोवर आप जिक्र कर रहे थे? जी, क्योंकि सवाल जब उनसे पूछा जाता है तब वो बोलते नहीं है। अदिति जी, मैं जी जी बिल्कुल 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 मैं आपको बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। हनुमानगढ़ी राहुल गांधी जी अभी 1.5 साल पहले गए थे, आपको शायद अगर जानकारी ना हो तो इस जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। अयोध्या भी गए थे, हनुमानगढ़ी भी गए थे सर, मैं आपसे खुल करके गए थे, आपके कैमरे भी गए थे। मुझे अफसोस है कि आपको नहीं पता। सवाल नहीं सुनते हैं सर, सवाल नहीं सुनते आप, हर महीने जा रहे हैं ना अयोध्या। राहुल गांधी को लेकर मेरा सवाल उस कॉन्टेक्स्ट में था, एक तो आप सवाल नहीं सुनते हैं सर, आपको अपनी गुस्सा जो है वो एंकर पर ही निकालना है सर, वो तो आपकी स्ट्रेटेजी है, उस पर तो मैं ज्यादा उसमें बहस में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। नहीं नहीं सर, आपकी झल्लाट आपके ऊपर गुस्सा होता है? नहीं नहीं सर, आपकी झल्लाट मुझे समझ में नहीं, हमारी झल्लाट ये मंदिर के चक्कर काटने की बात तो जहां मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको मेरे प्रति कोई दुर्भावना है सर। सुबह सुबह मानती हूँ ब्रेकफास्ट खा के आए पूरी तरह से एनर्जेटिक है, लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए, जब राम मंदिर की बात आती है तो राहुल गांधी की भक्ति और ये भक्ति आंदोलन कहां चला जाता है उस पर कांग्रेस पार्टी को जवाब देने की जरूरत है। और चारू प्रज्ञा, बीजेपी करे तो हिंदुत्व, हम हमेशा कह चुके हैं कि संविधान के दायरे में सारी बातें होंगी। सियासी टाइमिंग पर आप लोग सवाल उठाने लगते हैं। सीपी सिंह साहब, ओहो वाह वाह वाह, शाबाश है आपको, आप और चारू एक साथ मिलकर के बनाइए सब कुछ। राजपूत जी बैठ जाइए, अभी अभी बैठ करिए करिए, बहुत अच्छी बात है। आज की जमहूरियत है, जमहूरियत जाकर के जी, अरे ठीक है राजपूत जी बैठ जाइए। नहीं नहीं बिल्कुल, जमहूरियत है, जमहूरियत सिर्फ आपके लिए है, चूंकि आप एंकर के रूप में बैठे हुए हैं, जमहूरियत सिर्फ इसीलिए। ठीक है, इस बहस को जरा सवाल डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ने दीजिए। मैंने आपको आमंत्रित किया है 25 तारीख को, आप दोनों आ जाइए। आप एक काम करिए ना, जब हम आप चारू प्रज्ञा सुरेंद्र राजपूत दोनों को मैंने बहुत समय दे दिया, नाटकबाजी आउट कराती नहीं हूँ मैं, लेकिन अगर आपने बहस डिलेल करने की कोशिश की राजपूत जी, आप समझ लीजिए आज मैं करा दूंगी। मैं कभी नहीं कराती हूँ, आप इसका फायदा उठाते हैं, लेकिन आज आप सब लोग एक दूसरे की बात सुनेंगे। क्या सीपी सिंह साहब जी बोलिए, ये जो सियासी दर्शन है, ये जो चुनावी मौसम में आते हैं, क्यों नहीं सवाल पूछे जाए इस पर, क्यों नहीं सवाल पूछे जाए? देखिए, सवाल जब जो सार्वजनिक जीवन में है उसके बारे में तो सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि आप अजमेर शरीफ जा रहे हैं, आप पुष्कर जा रहे हैं, उसके पहले केरल में गाय कटवा रहे हैं, राम को काल्पनिक बतवा रहे हैं, राम सेतु को फालतू बता रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर के मामले पे अपील कर रहे हैं कि उसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को तो सार्वजनिक डोमेन में आपको लाना चाहिए। आपका कर्तव्य है और दर्शकों का अधिकार है कि वो जाने कि इस तरह का पाखंड क्यों है। भगवा आतंक हो जाता है और बाटला हाउस में आतंकवादी मारा जाता है तो सोनिया गांधी फूट फूट कर रोती हैं, ये हमें जरूर जानना चाहिए। और हमारे जो राहुल गांधी हैं वो खान हैं कि गांधी हैं कि नेहरू हैं कि राहुल विंची हैं, ये हमें जानने का अधिकार है, लेकिन इस आधार पर हम वोट नहीं करेंगे। आप कितने सिंसियर हैं, आप जो कहते हैं वो करते हैं या नहीं, उसके आधार पर हमको वोट करना चाहिए। ठीक है, हाजी खान साहब, आप कैसे देखते हैं इन तस्वीरों को? आपके लिए तो स्टेटमेंट भी आया, भाई 90% मुसलमान नहीं आया तो कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। देखिए, नंबर एक बात तो ये जो टीवी पे आपने हेडलाइन लगाई है कि मस्जिद और मंदिर, मस्जिद नहीं, वो एक दरगाह जा रहे हैं अजमेर शरीफ दरगाह में। हिंदुस्तान के 70 साल में तमाम प्रधानमंत्री, तमाम लीडर, तमाम बीजेपी और सारी पार्टियों के लीडर जाते रहते हैं। दूसरी बात, आदमी मंदिर जा रहा है,
एक आस्था की बात है, एक आदमी पूजा करता है, पूजा में जिस चीज़ में विश्वास रखता है उसमें करता है, ये आज़ादी है। लेकिन ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, यहाँ हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, एक साथ रहते हैं और एक साथ चलना है तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्र के 125 करोड़ लोगों से ये कहूँगा कि राहुल गांधी की आपकी जानिब से, इस चैनल की जानिब से, कि घर आज मुझको अपना गुलिस्तान सा लगे है। ये कौन मुसाफिर है जो मेहमान सा लगे है, हिंदू सा लगे है न मुसलमान सा लगे है, ये शख्स मेरी आंख को इंसान सा लगे है। अगर इंसानियत की बात राहुल गांधी कर रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को वेलकम करना चाहिए, और अगर शैतानियत की बात कर रहे हैं, लोगों को जो रावण जैसी परिस्थिति की बात कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ देश को आगे आना चाहिए। हाँ हाँ, सियासी मौसम में राहुल गांधी ये बात करें तो सियासी हो या समाजी हो, मौसम में चुनावी हो, भारतीय जनता पार्टी ने अभी टोपी उतार दी थी, जरा वो तस्वीर भी चला दें। सियासत की बात जब होती है ना सर, हमें किसी की आस्था पर सवाल नहीं है, हमें किसी के दर्शन पर सवाल नहीं है। पहली बात, आपने जियारत का जिक्र किया, दरगाह में सब जाते हैं, लेकिन जब सर सुन लीजिए मेरी बात, मुसलमानों को लेकर कांग्रेस पार्टी की रणनीति साफ है, किसी से छिपा नहीं है। कमलनाथ का बयान अगर आप भूल गए तो मैं दोबारा आपके लिए प्ले करा दूंगी, साल में कुछ आपको नहीं दिया, जो अच्छा इंसान वोट लिया है, हाँ, बस, हाँ, आप ये बात काश की आप ये बात भी बोल देते, काश की आप ये बात भी बोल देते कि सच्चर कमेटी ने क्या कहा था, सच्ची बात, सच्ची बात लेकर कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या कहा गया था। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य चुनाव आते हैं तो मंदिर मस्जिद सब याद आ जाते हैं। नहीं, अच्छा है साहब, मंदिर जाएं बहुत अच्छी बात है, मंदिर बिल्कुल जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, भक्ति दिखाने के लिए बहुत अच्छा अवसर है, परंतु भक्ति को वास्तविक तौर पर यह भी बताना चाहिए कि वो बाकी चीज़ों में कितना साथ हैं। वो वहाँ पर अगर जाके हमें बताएं कि काशी में कि हमारे मुद्दे पर कितना साथ हमारा देंगे, राम मंदिर में जाकर, अगर वो अभी पता चला सुरेंद्र जी कह रहे थे कि वो राम मंदिर भी गए हैं, क्या राम मंदिर जाकर अगर वास्तविक तौर पर राम भक्त है तो उनको अच्छा लगा कि वहाँ रामलला किस प्रकार से टाट के अंदर बैठे हैं, किस प्रकार के भक्त हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई राम भक्त को देखकर वहां ऐसा लगेगा कि किसी ना किसी प्रकार से राम भगवान राम, हम सब लोग मकान पक्के मकान में रह रहे हैं और वो वहां टाट में रह रहे हैं, उसके बाद भी वो कोर्ट में जाकर एफिडेविट दिलवाते हैं कपिल सिब्बल के द्वारा, ये कैसी भक्ति है कि भगवान को अभी डिले कर दे और लंबा करने दे, उनको तो ये बात करनी चाहिए। 40 साल कांग्रेस ने राज किया और उसके बाद की लहर पर 288 भैया में ठाट तो कौन कर रहा है, आपको पता नहीं ठाट कौन कर रहा है, राहुल गांधी आपको पता नहीं ठाट कौन कर रहा है इस देश के अंदर, कि कौन नेता लोग ठाट कर रहे हैं इस देश के अंदर, और उसके बाद भी इस देश के अंदर वो कहते हैं कि इस कपिल सिब्बल उन्हीं के पार्टी के नुमाइंदे और जाके कोर्ट में कहते हैं। कपिल सिब्बल क्यों नहीं साथ में भैया मेरे, आज तारीख में आपके साथ है कपिल सिब्बल। ठीक सर, ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य आगे आऊंगी आपके पास, हाजिक खान आपको भी मौका मिलेगा। आप वोटर के बीच जा रहे हैं, आप आम लोगों के बीच जा रहे हैं, ये तस्वीरें जब आती हैं उसको क्या मैसेज जाता है? क्या वोटर अब इतने चुनावों के बाद समझ नहीं गया कि उसके धर्म का यहाँ पर धार्मिक कार्ड खेला जा रहा है, यहाँ पर कांग्रेस की बात करूं तो जाति कार्ड को लेकर जो बयान आया वो भी खेला जा रहा है, क्या वोटर अब समझता नहीं है सब दाव पेच? देखिए आदित्य, कांग्रेस बिल्कुल यहाँ पशुपेश की स्थिति में है कि वो क्या करे, इसलिए राहुल गांधी मंदिर और मस्जिद दोनों से शुरुआत कर रहे हैं, दरगाह शरीफ में जहाँ जियारत करेंगे 26 नवंबर को, ही पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर भी जा रहे हैं, तो उनका एक तरह से सियासी संदेश वो ये देना चाह रहे हैं कि वो दोनों धर्मों का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की मजबूरी अलग अलग है, एक तरफ सीपी जोशी का बयान आता है कि धर्म के बारे में बोलना सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है, दूसरी तरफ जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग के, वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं ये कहते हुए कि मुस्लिमों के साथ कांग्रेस ने सही नहीं किया और उनको सही तरीके से टिकट नहीं दिया गया, और उनके साथ सिर्फ जो निजाम कुरैशी वही इस्तीफा नहीं देते, 35 जिलों के जिला अध्यक्ष जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं वो सभी एक साथ इस्तीफा देते हैं अदिति, तो ये भी समस्या राहुल गांधी के सामने है। एक चीज मैं और सुरेंद्र राजपूत से पूछना चाहूंगा, वो आपसे सवाल कर रहे थे, मैं उनसे ये जानना चाहूंगा, हो सकता है कि हम लोग गलत हो, उनके पास ज्यादा जानकारी, वो हर महीने अयोध्या जाते हैं, राहुल गांधी क्या राम जन्मभूमि रामलला के दर्शन करने गए हैं? हनुमानगढ़ी तो वो दर्शन करने पहुंच जाते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ी से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर राम जन्मभूमि है जहां पर रामलला टेंट में है, जहां पर कैद में है रामलला, बिल्कुल बहुत मुश्किल से वहां पहुंचा जाता है, क्या राहुल गांधी 1.5 किलोमीटर की यात्रा हनुमानगढ़ी से आज तक कर पाए इतने लंबे सालों में? अदिति राजपूत जी, इसमें हंसने की बात नहीं है, आप जिस आस्था को बहुत सीरियसली लेते हैं ना सर,
ये उस पर एक रिफ्लेक्शन है आपकी हंसी, हंसी में मत उड़ाइए बातों को, अपना एक सवाल संजीदा होइए थोड़ा सा। तो मंदिर मस्जिद की बात यहाँ पर की जा रही है, क्या बस इसी से कटेगा सत्ता का टिकट, इसी से मिलेगा सत्ता का टिकट? कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, सुरेंद्र राजपूत जी, उत्तर प्रदेश चुनाव 2017 में 15 से ज्यादा मंदिरों में राहुल गांधी गए, गुजरात चुनाव में राहुल गांधी 27 मंदिरों में गए, जनेऊधारी हिंदू खुद को प्रोजेक्ट किया, कर्नाटक चुनाव की भी बात कर लूं तो 20 मंदिर मठों में राहुल गांधी गए, मध्य प्रदेश चुनाव में हिंदुत्व का खसारा उन्होंने एक बार फिर से लिया है, मंदिरों का दौरा किया उन्होंने, राजस्थान चुनाव में 10 महत्वपूर्ण मंदिर कहा जा रहा है उनका जाने का प्लान है। सब मुद्दे खत्म हो गए क्या? जनता के बीच जाते आपको तो कोई तस्वीरों को देखकर सवाल ना पूछता। जी जी, आप कुछ और ऐसा है ना, आपको कोई समस्या हो अगर उनके मंदिर जाने से तो हमें बता दीजिए। अदिति जी, हमारे हंसने से भी आपको समस्या, हमारे जवाब देने से भी समस्या आपको, अब ध्यान से जरा जवाब सुन लीजिए। जी वो बिल्कुल रहेगी आपको, मुझे है, बिल्कुल रहेगी आपको, रहेगी ये जो मंदिर आपको रहेगी, अपने धार्मिक दर्शन के लिए वो जाते हैं मंदिर धार्मिक दर्शन जाएं, लेकिन उससे पहले जरा जनता के बीच समय बिताएं, उनके मुद्दे उठाएं, उनके समस्याओं को जानें, उनका दुख दूर करने की बात करें। वो और सवाल, जब मैं ऐसी तस्वीरें देखती हूँ ना सर, बिल्कुल वो, और आप सुनिए, ये राइट लेफ्ट सेंटर में सवाल पूछती हूँ, आपको इन तस्वीरों को दुनिया के सामने लाना ही क्यों पड़ा अगर आपको अपनी काबिलियत पर, अपनी जीत पर इतना भरोसा है? भाई आस्था तो पर्सनल मैटर है ना सर, निजी मामला है ना, क्यों लानी पड़ रही है तस्वीरें दिखानी क्यों पड़ रही है? जवाब भी सुनेंगे, पूछती रहेंगे, मैंने कहा पूछती रहेंगे या जवाब भी सुनेंगे, या पीसीआर से या भाजपा से आपको इसी का ठेका मिला हुआ है कि आप खाली सवाल पूछते रहे, सुरेंद्र राजपूत को जवाब ना देने दीजिए, यही ठेका मिला हुआ है क्या? एक बात बताइए, बहुत बढ़िया भाषा आपकी, इतनी अच्छी है ना, मैं तो उसे इंडोर्स नहीं करती हूँ, सारे पैनलिस्ट को याद दिला दूँ, इस तरह की भाषा इस डिबेट में अलाउड नहीं है, लेकिन आप बोल लीजिए और दर्शकों से कह दूं, चैनल का इन पैनलिस्ट की राय से, इनकी भाषा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको जज करना है, आप जब इस बहस को देख रहे हैं आपको जज करना है कौन सा पैनलिस्ट किस भाषा का। अभी अभी हाँ, मैं दोनों चीजें, पहली चीज तो मैं अपने एक मित्र की बात का जवाब दे दूं, जिसने कहा था कि वो हनुमानगढ़ी गए थे, रामलला नहीं गए, तो भाई हमने तो जैसे कहते हैं ना कि राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जी, हमने अपनी अर्जी राम जी के पास हनुमानगढ़ी से लगा दी थी, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी हनुमानगढ़ी और राम का लला मंदिर दर्शन करने गए क्या? तो भाजपा के पैनलिस्ट से ये भी पूछ लीजिए, और एक भाड़े के यहाँ पर बैठे हुए हैं जो भाजपा से कहीं से आते हैं, उनको ये नहीं पता कि आप दोनों नहीं, को कंपेयर ही मत करिए, आप अरे थोड़ा धैर्य रखिए बहन, थोड़ा धैर्य रखिए, अभी आपको और परेशानी होगी। सुरेंद्र राजपूत जी एक बार ध्यान से सुनिए सर, अभी मैं लोकतंत्र में यकीन करती हूँ, मैं आवाज दबाने में यकीन नहीं रखती, लेकिन अगर आप भाषा पर संयम नहीं रखेंगे तो ये डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी सर, लफ्जों को सोचकर बोलिए, हाँ बिल्कुल ना पड़े, इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट मत दीजिए, बिल्कुल भाड़े के टट्टू दोबारा से बोलूंगा, ठीक है आप बोलेंगे, जो आदमी सीपी सिंह नाम लेके बोल रहा हूँ, उस आदमी को, उस शख्स को ये नहीं मालूम कि कांग्रेस क्या करती है क्या नहीं करती है, कल तक आरएसएस की बात करके आज वो बताना चाहता है कांग्रेस ने गाय कटवाई, झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, ये सीपी सिंह नाम का पत्रकार अपने आप को पत्रकार कहता है, ये संघ का एजेंट है, बिल्कुल कहूंगा, क्यों नहीं कहूं मैं? देखिए मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी बात से आपको मिर्ची लगी है, बताइए कि, और मुझे इस बात का भी गर्व है कि पूरे देश ने आपको मिर्ची लगा दी है, मुझे इस बात का भी गर्व है, भाषा पे पूरे देश ने आपको नकारा है, कांग्रेस को कहने से पहले यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मुझे इस बात का भी गर्व है कि जॉर्ज फर्नांडिस को कभी भी, प्लीज आप कम से कम अपनी राजपूत जी, कोशिश कर लीजिएगा अगली बार भी डिरेल करने की, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, करिएगा, लेकर आइए स्ट्रेटेजी को हर बार, मैं आपके जाल में नहीं आती, आपके पास जवाब नहीं है, कोई बात नहीं, व्यूअर देख रहा है, लेट द जनता डिसाइड, लेट द जनता डिसाइड फॉर यू, कोई बात नहीं। चारू प्रज्ञा जी, आदित्य जी, मैं बोलना चाहती हूँ, कांग्रेस की राजनीति के ना दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा ये है कि वो पर्सनल अटैक्स करके, गंदी गिरी हुई बात करके अपनी राजनीति करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, इनकी राजनीति का दूसरा हिस्सा ये है कि ये
नकली, सॉरी वो तो ये भी आरोप लगाते हैं बीजेपी से ही सीखा है। अरे इनके बोलने से क्या होता है आप बताइए, बीजेपी के कौन से नेता इतनी नीच और गंदी बातें करते हैं। अच्छा एक बात और है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या थी उस पे मुझे आज तक डाउट था, लेकिन अब तो इस बात पर भी पूरा डाउट है कि इनकी आस्था कहाँ है, इनका धर्म क्या है, हर चीज में कंफ्यूज रहते हैं। आप ये देखिए, ये जब इनको जरूरत पड़ती है ये हिंदुओं का साइड दे देते हैं, जब इनको जरूरत पड़ती है ये मुस्लिम अपीजमेंट शुरू कर देते हैं। आंध्र प्रदेश के इनके मैनिफेस्टो में आप ये देखिए, ये एकदम क्रिश्चियंस के साइड चलते हैं। अरे एक सीधी लाइन पर चलिए ना, आप नौकरियों की बात करिए, आप प्रोग्रेस की बात करिए, आप सड़क बनाने की बात करिए, आप बिजली पानी की बात करिए, आप इस तरीके की बातें क्यों करते हैं? आपसे सहमत हूँ, इसी की बात होनी चाहिए, इसकी बात होनी चाहिए, सहमत हूं आपसे। 10 करोड़ रोजगार की भी बात होनी चाहिए, पूरी तरीके से सहमत हूं मैं अपनी बहन से, बहुत अच्छी बात है। खुला दुश्मन हमेशा बेहतर होता है, वनस्पति नहीं। मैं आपको रोजगार के आंकड़े दू, मैं आपको आंकड़े देती हूं, रोजगार के आंकड़े दीजिए। लेकिन हम धर्म को लेकर दलाली नहीं करते, मेरी दादी और मेरा परिवार शिव भक्त है, हम इन चीजों को निजी रखते हैं। मुझे नहीं समझ में आता, हम आमतौर पर इस बारे में बातचीत नहीं करते। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, बयान लेकर आई हूँ, सुनिए तो सही, बयान लेकर आई हूँ, राजपूत जी को भी सुनना चाहिए। हम आमतौर पर इस बारे में बातचीत नहीं करते क्योंकि हमारा मानना है ये बेहद ही व्यक्तिगत मामला है और हम इस बारे में किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत भी महसूस नहीं करते। लेकिन फिर भी हम ये इंश्योर करते हैं कि जब चुनावी मौसम आए तो लोग हमें देखें कि हम मंदिर में जा रहे हैं। नहीं, नहीं, सबसे पहले तो मुझे ये बताया कि इस प्रकार से वो तो सब भक्ति सबको दिखाई देती है, कौन सी भक्ति कैसी भक्ति है, परंतु उसमें मैं जाना नहीं चाहता कि बहुत अच्छा है मंदिर जा रहे हैं, परंतु सदा जाए तब वास्तविक तौर पर। परंतु एक बार बताए, शिव भक्त कैसे हैं? जवाहरलाल नेहरू वही जवाहरलाल नेहरू है, उन्हीं के खानदान से ताल्लुक रखते हैं कि जिन्होंने जब सोमनाथ का मंदिर बना तो सबसे पहले राजेंद्र हमारे राष्ट्रपति जी को सबसे पहले चित्र कि आप क्यों जा रहे हैं वहां पर। और ये सर्वविदित है कि सोमनाथ के मंदिर बनते वक्त सोमनाथ भगवान शिव का मंदिर है और वो उसके खिलाफ थे, और अगर तमाम और लोग जो जोड़ ना लगाते तो शायद सोमनाथ की स्थिति भी आज इसी दूसरी प्रकार से होती, वही बुरे बुरे हाल में होता। तो कौन से शिव भक्त, किस प्रकार के कौन सा परिवार किस प्रकार का शिव भक्त है? और आज उनके कई वक्तव्य ऐसे हैं जहां उन्होंने पुजारियों तक का अपमान किया है। ठीक है, ठीक है, मुझे बताइए वहां एक पुजारी जिस शब्द जैसे उच्चारण किया गया और ब्राह्मणों का किस प्रकार से आज सत्यदेव चतुर्वेदी जो है सत्यव्रत चतुर्वेदी उनको निकाल के पार्टी के बाहर कर दिया गया है। आज सीपी जोशी ने ब्राह्मणों के संबंध में बयान दिया तो या तो उसका साथ देते, ब्राह्मणों का साथ देते जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, तो किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं वो बताएं सारा का सारा कि आज हिंदू धर्म में है तो कौन कौन सी बातों में साथ देते हैं, चूजी भक्त है कि किस बातों में साथ दूंगा किस बात में साथ नहीं देंगे। हाजी खान साहब, दरगाह में जाएंगे मुस्लिम टोपी पहनेंगे तो मुसलमान वोट दे देगा? मुसलमान के लिए मुद्दे मैटर नहीं करते, उसकी समस्याएं, उसकी जिंदगी की तकलीफें, दिक्कतें? हाँ देखिए, राहुल गांधी जी अगर दरगाह जाते हैं, मंदिर जाते हैं, उससे वोट कितना बदलता है ये तो आने वाले इलेक्शन में तय करेगा। लेकिन इस देश को ये मालूम होना चाहिए कि इंदिरा जी ने अपनी तकरीर में कहा था कि मेरी खून की एक एक बूंद इस देश के लिए बलिदान होगी, उन्होंने कुर्बानी दी। राजीव गांधी का इस देश की अखंडता और एकता के लिए आपने चिथड़े उड़वा दिए, ये देश को देखना चाहिए और देश की जनता को देखना चाहिए। मैं एक मुसलमानों और हिंदुओं की बात, तो अगर आगरा के जूतों की फैक्ट्री से मुसलमानों को निकाल दिया जाए तो आगरा का इंडस्ट्री तबाह हो जाएगा, फिरोजाबाद जो स्वाग नगरी कहलाती है फिरोजाबाद, अगर वहां से चूड़ी से कारीगर को निकाल दिया जाएगा तो फिरोजाबाद तबाह हो जाएगा। मैं इस देश के लोगों से ये कहूंगा, यकीन हो, एक मिनट, मैं जानती हूं आपकी, आप अपनी स्पीच तैयार करके लाए सर, मैं तो कोई तैयार नहीं करता मैडम। सुनिए, मुसलमानों को अपनी समस्याओं से निजात चाहिए, क्या मुसलमान अपने मुद्दों को एड्रेस करवाना चाहता है या बस ये तस्वीरें भर देख के वोट कर देते? देखिए, इस देश में चाहे मोदी जी की सरकार आए, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमारे हैं, अभी हम हज करने जाएंगे तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि आपके देश का प्रधानमंत्री कौन है तो हमें यकीनन ये कहना पड़ेगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं।
दूसरी बात ये रही कि देश को ये सोचना, देश के प्रधानमंत्री वो हैं तो आपको उन्हीं का नाम लेना पड़ेगा सर। हमें कांग्रेस का होगा तो कांग्रेस का लेना पड़ेगा, प्रधानमंत्री होगा हम देश को ये कहना चाहते हैं कि देश में एकता बनी रहे, देश में भाईचारा, गंगी जमनी जमनी कि यकीन हो के ना हो, बात तो यकीन की है और हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, चाहे वो कांग्रेस करे या अगर कोई कहना पड़ेगा। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए आज आज संवैधानिक तौर पर चुनकर बैठे, ठीक ठीक आचार्य विक्रमादित्य क्या बोल रहे हैं, कहना पड़ेगा चुन के आए हैं। ठीक है सर, आपने क्लैरिफाई कर दिया खान साहब, ठीक है आचार्य विक्रमादित्य एक संवैधानिक तौर पर जी जी उन्होंने कह दिया, क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है ठीक है क्लैरिफाई कर दिया ना उन्होंने। सीपी सिंह बस ये टिप्पणी करनी थी कि जॉर्ज फर्नांडिस अपने नाम से ही ईसाई लगते थे और मुजफ्फरपुर से 1977 में रिकॉर्ड मतों से जीते थे और वहां ईसाइयों की संख्या 1000 भी नहीं थी। आखिर राहुल गांधी को क्यों इस तरह से चर्च, मंदिर और मस्जिद की दौड़ लगानी पड़ती है, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी को लेकर ही पाखंड है। ये तो अपने दादा की कब्र तक कभी नहीं गए, जाते हैं क्या इलाहाबाद में? तुम स्वयं पाखंडी हो और सर से पैर तक पाखंडी हो, के यहाँ जहांगीर के यहाँ कभी जाते हो नहीं, कब तक पाखंडी हो नहीं जाते, और देशद्रोही भी हो, खुद ही बोलते थे और सबसे बड़ी चीज किराए के और भाड़े के अपने मन से यूरोपीय है और आज तन से भारतीय है। जिस आदमी को सोमनाथ का नहीं पता, ये महाराज किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों को जानना अगली बार आइएगा तो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट तैयार करके आइएगा सर, निजी हम लोग के लिए ना आइएगा, ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए अपनी बात रखी, इस बहस को डिरेल करने की भी कोशिश हुई, लेकिन आप जनाब आपसे मोहतरमा आपसे जो इस समय जी न्यूज देख रहे हैं, जब आप वोट करने जाइएगा तो काम की बात कीजिएगा, मुद्दों की बात कीजिएगा और नेताओं से सवाल पूछिएगा, इन तस्वीरों से आपको क्या हासिल हो रहा है।